आप बड़े दुख के साथ मुझे ये बात कहना पड़ रही है कि आज मध्य प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम जिले के मजदूर गुजरात में 50,000 से ऊपर है, राजस्थान में, महाराष्ट्र में वो बहुत बुरी हालत में फंसे, वहाँ की सरकारें उनको मदद भी नहीं कर रही और भूखे मर रहे हैं वहाँ। ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार से मेरा मांग है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मांग है कि आप वहाँ से गाड़ी भेज के उनको यहाँ पे बुलाया जाए, क्योंकि मेरा उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री राजस्थान से बुलवा रहा है और अपना मोदी विदेश से लोगों को ला रहा है प्लेन से, तो क्या शिवराज यहाँ से गुजरात और महाराष्ट्र से ला नहीं सकता क्या? तो उनको लाना चाहिए। आज वो भूखे प्यासे हमारे आदिवासी भाई रोज फोन आ रहा है, उनको खाना मिल रहा है कोई किसी तरह से, ऐसी परिस्थिति उनको अकेला छोड़ नहीं सकते हैं, हम उनके साथ हैं। और मेरे मजदूर भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग हिम्मत में हारे, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और शिवराज से मेरी मांग है कि आप तत्काल गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में अपनी गाड़ियां भेज के उनको अपने अपने गांव पहुंचाएं। ये राज्य सरकार की नैतिक जवाबदारी है। अगर राज्य सरकार असक्षम है या अपना मजबूर है तो फिर हमें परमिशन दे, हम जाके लोगों को लाएं, पर वहां से न लाने की बात कर रहे हैं न हमको बुलवाने की मंजूरी दे रहे हैं, तो ये तो मेरा बहुत ही तकलीफ की बात है। उसी तरह से यहाँ का मेरा सांसद गुमान सिंह डामोर वो मुख्यमंत्री को लिख रहा है कि गुजरात में 30,000 लोग फंसे हुए हैं और महाराष्ट्र में अलग तरह से कई अन्य राज्यों में अलग अलग, उनको वहीं रखा जाए द्वितीय चरण तक, तो वहीं क्यों रखा जाए, वह क्या खाएंगे, कैसे बैठेंगे? एक गुजरात मतलब एमपी कह रहा है गुमान सिंह डामोर, उसको कोई समझ में तो आया नहीं, और मुख्यमंत्री को लेटर लिख रहा कि जो जहां है वहीं उनको आने दे, मध्य प्रदेश में उनको ना आने दे, ऐसा क्यों लेटर लिखा है इसने मुख्यमंत्री को? गुमान सिंह डामोर उसका जवाब दे, उसकी मैं आलोचना, उसकी निंदा करता हूं मैं। उसको तो आगे होके कहना था कि जिस तरह से योगी ने उत्तर प्रदेश से गाड़े भेज के राजस्थान से बुलाया, ऐसे मैंने शिवराज को कहना था कि उनको गाड़े भेज के लाया, ये कहने के बजाय करो मैंने उनको वहीं रखा कि मध्य प्रदेश में घुसने मत दो। ये गुमान सिंह डामोर भाजपा का सांसद, इतनी उनकी थोड़ी भी गरीबों के प्रति उनकी मना रहम नहीं है, तो इसलिए हम निंदा करता हूँ और हमें उसको मना लाने की परमिशन मुख्यमंत्री दे, तो हम इनको भेज के लोगों को यहाँ तक लाए, नहीं तो उनके बच्चे भूखे प्यासे गुजरात में, राजस्थान, महाराष्ट्र में बैठे हैं, उनके साथ कौन न्याय करेगा? तो हमारी मांग है कि उसको गुजरात से राज्य सरकार, भाजपा के शिवराज मुख्यमंत्री, उनको लाने की व्यवस्था करे, ये मेरी मांग है।